हे गाइस, सो आई नो कि आप लोगों ने काफ़ी सारे रेसिपी मेरे चैनल पे सीख लिए होंगे, तो आज आउट ऑफ द बॉक्स हम सीखने जा रहे हैं कैसे बनाते हैं चारकोल। चारकोल की फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, मगर आज हम बात करेंगे स्किन और हेयर के बारे में, चारकोल का फ़ायदा। तो सबसे पहली बात, चारकोल जो है टॉक्सिन्स को हटाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा टीथ वाइटनिंग से शुरू करके आपके बॉडी में इंटरनली भी इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं अपने ब्यूटी रूटीन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो नारियल है उसका जो आउटर शेल है उसको हम पूरी तरह से जला लेंगे। और ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप, अगर आपको जो भीतर का जो सफ़ेद नारियल होता है उसको अगर शेल से आसानी से बाहर लाना है, अब सिंपली जो बाहर का ये शेल है उसको जला लो। अब जला लो मतलब कि जब तक बाहर का शेल पूरा ब्लैक ना हो जाए। तो हल्का सा ब्लैक हो जाने के बाद अगर आप देखो पीछे अभी भी साबुत है, मगर मतलब आपको वुड अभी भी दिखाई दे रहा है, तो उसको थोड़ा और जलाओ। ये खुद ही अपने आप जो है जो शेल है साइड से वो अपने आप छोड़ने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको काफ़ी हद तक जला लिया है, मगर जो है नीचे का पार्ट अभी भी थोड़ा सा वुडी है। तो इसको थोड़ा सा और जलाने के बाद मैं इसको एक छुरी इस्तेमाल करके इसको आसानी से निकाल लूँगी। मगर एक बात है कि ये ऐसे अभी चारकोल नहीं बना है, इसको हमें और बर्न करना पड़ेगा। और ऑल्सो अ सेफ्टी टिप, जब आप इसको बर्न करते हो तो इसमें से काफ़ी सारे यू नो स्मोक निकलता है, तो वो स्मोक आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आपको थोड़ा सा यू नो टॉक्सिक टाइप लग सकता है। तो वेयर अ मास्क और इफ़ यू कैन स्टे आउट फ्रॉम द किचन दैट विल बी ऑल्सो गुड। तो आप छुरी से इसको बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, जस्ट पूरे नारियल में टैप कर लो, फिर उसके बाद आप छुरी से इसको निकाल लो। अच्छा, तो अब बाहर का जो है शेल वो काला पड़ चुका है और भीतर का जो है वाइट है, तो इस पर हमें थोड़ा और काम करना है। और भीतर का ये जो कोकोनट निकला है रॉ, इसको आप कैसे भी पेस्ट करके ब्लेंड करके आसानी से इसको कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने इस नारियल का रायता बनाया था और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अलग या स्मोक्ड कुछ भी नहीं होता है, जैसा टेस्ट होता है वैसा ही आता है। और ये बहुत ही आसान है ऐसे शेल से नारियल चुराना। सो वट एवर, अब हम इसको एक जाली पे रख के इसका जो भीतर का पार्ट है उसको भी जला लेंगे। अब तब इसमें ये जो है पूरा फायर लग जाता है। अब आप ये गलती मत कीजिएगा जो मैंने पहले टाइम किया था कि इसको पूरा ही जलने दो। अगर आप इसको पूरा जलने दोगे तो ये जो है ऐश बन जाएगा, लाइक जो साइड बर्न होता रहेगा वो ऐश बन जाएगा। तो आप इस पर थोड़ा थोड़ा पानी इस पर स्प्रिंकल करते रहिए ताकि ये जो है ठंडा भी होता रहे और ज़्यादा जल ना पाए, और जो जो साइड्स जो है बर्न नहीं हुए वो अच्छे से बर्न हो जाए। तो इसको ठंडा होने देने के बाद हमारे पास रेडी है चारकोल। तो ये परफेक्ट चारकोल है, होममेड। तो आपको जब भी इसको इस्तेमाल करना हो जस्ट मेक अ पाउडर फॉर्म, एक मॉडल पेस्ट यूज़ कर लीजिए और इसको अच्छे से कूट लीजिए या फिर ग्राइंड कर लो सबसे आसान, और आपको इंस्टेंट चारकोल पाउडर मिल जाता है। तो आप अगर ये पहले होममेड बना के देखना चाहते हो कैसे ये काम करता है नहीं करता है, तो बिल्कुल आप इसे बनाइए, और वरना मार्केट में तो ये अवेलेबल ही होता है। बोनस, अपने इस घर में बनाए चारकोल से मैं आपको एक हेयर मास्क बता रही हूँ। तो ये जो है बेसिकली हेयर स्क्रब है। तो आपको यहाँ पे 1 teaspoon लेना है चारकोल और उसमें डालना है 1 teaspoon ग्लिसरीन। और मतलब आप विश्वास करो कि आप जब भी इस पैक को लगाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चारकोल होने की वजह से आपकी जो ऊपरी लेयर है डेथ सेल्स टॉक्सिन्स व्हाटएवर वो पूरी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, और ग्लिसरीन ऐसा बेहतरीन एक मॉइस्चर का लेयर बना देता है कि आप जब शैम्पू करोगे उसके बाद ही आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कंडीशनर यूज़ करना है, बल्कि वो आपको इतना अच्छा इफेक्ट देगा कि आपको मॉइस्चराइज़र या कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस चारकोल को घर पे बनाइए और इंस्टेंटली इसका इफ़ेक्ट लीजिए। तो ये था मेरा वीडियो हाउ टू मेक चारकोल पाउडर। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।